अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब पहले की तरह बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो अभी बस जस्ट हम लैंड करें दुबई में, और दुबई में आते साथ हमने की है इफ्तारी। वहाँ रेस्टोरेंट पे हम लोग बैठे थे, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा। तो वहाँ पर यार हमें खाना खाने का दिल नहीं किया। हमारे पास जो जहाज से हमें मिले थे, कौन से वाले वो थे, वेज रैप, बार बार मैं उसका नाम ही भूले जा रहा हूँ। तो उससे हमने गुजारा कर लिया, अभी पेट बिल्कुल खाली है। इस वीडियो में फिर हम अपने खाने को कंटिन्यू करेंगे, और ये वीडियो है हमारी सफरे उमरा, माशाल्लाह। और यहाँ से ही मैं एहराम पहनूंगा, और फिर यहाँ से ही डायरेक्ट हम जाएंगे दुबई टू जद्दा, देन जद्दा टू मक्का। हाँ, जद्दा से मक्का भी तो जाना है यार, हमें उमरा करना है। तो यहाँ से मेरा एहराम बन जाएगा, और नियत भी यहाँ से ही हो जाएगी। फिर मैं यहाँ से ही नियत पे रहूंगा। ये फर्स्ट टाइम, पहली दफा इतना लंबा मैं उमरा करूंगा। जैसे अभी आज वाला दिन जो हमारा गुजरा है, बिल्कुल ही सुकून के साथ आराम से गुजर गया। टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगा, सारा टाइम हमारा एयरपोर्ट पे और जहाज में गुजर गया है भाई। और अभी हम लोग ड्यूटी फ्री शॉप पे घूम रहे हैं भाई। क्या बात है, अब बताओ खाने पीने का क्या सीन है। चलते हैं कहीं, देखते हैं आगे पीछे कुछ यार। यहाँ पर KFC है, मैकडोनल्ड्स है, और बाकी दो तीन कैफे है। खाना तो नहीं है, तो फिर यहाँ से मैं तो बोल रहा हूँ कोई चॉकलेट वोकलेट नहीं ले लें खाने पीने के लिए। नहीं, और भी हैं। आया मैंने एक देखा था रोटी भाई के नाम से, शायद या भाई रोटी, पता नहीं, ऐसा कुछ देखा था मैंने। भाई रोटी के नाम से, चलो आ जाओ वहाँ पर मिलेगी भाई हमें रोटी सालन, हो सकता है मिल जाए। तो भाई रोटी वाला है भाई जी, पता नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन था इस तरह का कुछ नाम। चलो सही है भाई, आप जहाँ पर आपने देखा वो आप वहाँ पर ही मुझे लेके चलो, हो सकता है वहाँ पर रोटी मिल जाए भाई। तो जिस किसी ने भी भाई वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर दो। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। भाई देखो ये बड़ी मुश्किल से जगह मिल गई है, आप यहाँ पर बैठ जाओ, आराम करो, सही है। बाकी वो तुम्हारा कहाँ है रोटी भाई? अबे रोटी भाई तो ये सामने ही है, तुम यहाँ पर बैठो, फिर मैं वहाँ से कुछ ऑर्डर करके आ जाता हूँ। अगर तुम यहाँ से उठ गई तो फिर हमारी जगह कुछ नहीं पता भाई, कोई भी आके बैठ सकता है, क्योंकि एयरपोर्ट पे इतना रश हो रहा है, पूरी दुनिया के लोग आए हैं यहाँ पर। अच्छा भाई, तो हम रोटी भाई पे आ चुके हैं, और यहाँ पर बड़े मजे मजे के खाने हैं। कौन कौन से खाने? दाल तड़का, चना मसाला विद राइस, नान, पनीर मखनी विद राइस एंड नान। अब देखते हैं भाई, बड़ा ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है यहाँ से लेना। तो बिरयानी है, बिरयानी, चिकन बिरयानी, वन प्लेट चिकन बिरयानी। ये कौन सा है? बटर चिकन, एक बटर चिकन कर दें। बटर चिकन के साथ रोटी मिलेगी, एक नान मिलेगा, सही है। आप एक नान कर दें इसके साथ, और एक बिरयानी कर दें बस, ठीक है। एक मैंने लिए चिकन बिरयानी और एक लिए बटर चिकन, इसका मेरा टोटल बिल बना है 81 दिरहम। ओके जी, हमारा जो है डिनर वो रेडी है। ये आ गया आपका भाई जी, बहुत ही एक्सपेंसिव है भाई। भाई जी, भाई जी से लाया हूँ यार, इतना सारा नहीं है, कम है ये, हटाओ तो। ये है भाई बटर चिकन विद राइस और विद वन नान, और ये है चिकन बिरयानी। अबे रोटी तो पापड़ है बिल्कुल, सिर्फ मैंने उठाया और ये ऐसे ही टूट गई। ये टोटल कितने का होगा बताओ? बस हम यहाँ पर वेट करो, मैं पानी की बोतल ले आता हूँ दिल्ली से, सही है। पानी है ना? पानी कहाँ पर है? पानी आपके बैग में। नहीं, पानी में एक और बोतल ले आता हूँ ना। अरे फोन कहाँ फेंक दिया तुमने, इसका क्या कर रही हो यार तुम? चलो पकड़ो, टूट टूट आने जाए, मैं पानी ले आता हूँ, सही है। यहाँ का जो मुझे पानी पसंद है ना, वो वाला ला रहा हूँ। दो बोतलें उठा लेते पानी की, वो वाला पानी नहीं मिला यार जो मुझे पसंद है, लेकिन इससे भी काम चल जाएगा। क्या बात है यार, अभी याद आया, जैसे मैं काउंटर पे पहुंचा कि यहाँ से शॉपिंग करने पे आपको बोर्डिंग पास जरूरी चाहिए, चाहे एक पानी की बोतल खरीदो, चाहे एक ट्रॉफी खरीदो, पानी लेने के लिए बोर्डिंग पास चाहिए भाई। नहीं, अब मैंने उठा ली पानी की बोतल, जल्दी से ले आता हूँ यार, मैं जल्दी से ले आता हूँ, ला रहा हूँ। नहीं, कोई मसला नहीं यार, पानी भी तो पीना है ना, हल्का खुश हो रहा है यार। ये लो जी, आ गई है पानी की बोतल, अब खाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले चेक करते हैं बटर चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉट बैड, अच्छी है, थोड़ी थोड़ी, चल झूठा, लेकिन चिकन बिरयानी उससे भी ज्यादा अच्छी होगी। उसरा तुम खाओ ना, आप खाके बताएं कैसे। भाई मैंने बटर चिकन टेस्ट कर लिया, और मैंने आपको रिव्यू दे दिया है, अब आप ये एक्सपेंसिव चिकन बिरयानी टेस्ट करके बताओ, जो आज से पहले आपने इतनी महंगी कभी नहीं खाई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैसा है भाई टेस्ट? ये देखें क्या हुआ है। ओए बटर चिकन में चले गए यार, हे बुरका, लेकिन कोई मसला नहीं, टेस्ट बताओ जल्दी। खाने को वैसे भी बुरा बोलना नहीं चाहिए यार, जो आपको मिले जैसा मिले आपको खुश होके खाना चाहिए, खाने की यार कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, जो आपको जैसा मिले, अच्छा मिले बुरा मिले, उसको आपको खुश होके खाना चाहिए। समझ गया। अब हमने इतना एक्सपेंसिव खाना ले लिया है, तो अब इसको सुकून से बैठ के पूरा खत्म करते हैं, ठीक है?
A few moments later. यार अभी मैं बोल रहा था कि खाने की कभी भी आपको बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस खाने में कुछ अलग ही टेस्ट है। यूसरा हमारे साथ दुबई एयरपोर्ट पर हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा स्कैम हो गया यार। इस बिरयानी में जो ऑयल यूज़ किया गया है वो पता नहीं कौन से किस्म का ऑयल है, इतनी उसमें से स्मेल आ रही है। यूसरा तो कैमरे की नोक पे बोल रही थी हाँ हाँ अच्छा है अच्छा है कुछ भी, लेकिन जब मैंने टेस्ट किया ना इसको तो मुझसे कसम से खाया नहीं गया। और ये बटर चिकन भी मैं बोल रहा था कि कैमरे की नोक पे ही बोल रहा था, कभी खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए, ऐसे भी इंसान को हर खाना खुशी से खाना चाहिए, लेकिन ये बटर चिकन मीठा मीठा है, ऐसा लग रहा है इसमें चीनी डाली हुई है यार। यूसरा एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आते साथ दुबई एयरपोर्ट पे हमारे साथ 80 धर्म का स्कैम हो गया यार, 80 धर्म का स्कैम हो गया है। बाकी यहाँ पर KFC भी है, मैकडोनल्ड भी है, ये दोनों हम लोगों ने इसलिए नहीं खाए क्योंकि हम लोगों ने किया हुआ है इसको बायकॉट। हमने सोचा कि यार रोटी सालन खाएंगे, रोटी भाई दिख गया हमें, हमने बोला कि यहाँ पर चलो रोटी मिल जाएगी, सालन मिल जाएगा, बिरयानी भी मिल जाएगी, जो बातें मैं तुमसे पीछे करता हुआ आ रहा था सेम टू सेम वही मिला। अब इसको देख के पेट भर गया, देख के कसम से देख के इसको पेट भर गया। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ भाई, अगर कोई दुबई एयरपोर्ट पर आए और ये रोटी भाई बिल्कुल भी ना खाए, वरना आपके साथ भी बहुत ही गंदा वाला स्कैम हो जाएगा, क्योंकि इसका टेस्ट यूसरा बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। सबका टेस्ट डिफरेंट होता है, हो सकता है हमें नहीं समझ आ रहा, किसी को समझ आ जाए, लेकिन एक बात है कि इसमें टेस्ट है ही नहीं कुछ। भाई तुम सच सच बताओ, इस बिरयानी में जिस ऑयल की स्मेल आ रही है वो कैसी आ रही है? पता नहीं, अजीब सी आ रही है, लेकिन हमारा टेस्ट डिफरेंट है तो हमें नहीं समझ आ रहा होगा, हो सकता है, लेकिन इसमें गलती आपकी है। पहली बात, आप अकेले गए मुझे छोड़ के, वो भी मैंने कैमरे की वजह से बोला चलें ठीक है मैं बैठ जाती हूँ आप चले जाएं, लेकिन आप चले गए। मैंने तो इसलिए बोला था ना ताकि जगह ना गिर जाए कोई। अच्छा, यार अच्छा दूसरी बात ये कि जब आपने देखा कि खाना ऑलरेडी इतना महंगा है तो आपको पहले एक चीज़ लेके देखनी चाहिए थी, आपने दोनों चीज़ें एक साथ ले ली, वो भी आपकी गलती। यार तो वैसे यहाँ पर सब कुछ महंगा है, सिर्फ ये KFC मैकडोनल्ड्स के अलावा सब कुछ महंगा है, पीछे कैफे भी बना हुआ है वो भी महंगा है। तो फिर आपको एक चीज लेके देखनी चाहिए थी ना पहले, एक साथ थोड़ी लेते हैं। लेकिन भूख लग रही थी ना, वो होके होके के चक्कर में मैंने बिरयानी भी ले ली, बटर चिकन भी ले ली, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया कसम से। मैंने जब बिरयानी का एक निवाला चखा ना तो मेरा दोबारा दिल खाने का करा ही नहीं इसको। अब छोड़े, जो हो गया वो हो गया, जो होना था वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। मैं बोल रही हूँ अब इसको यहाँ से उठा के या तो उनको दे दें कि वो किसी को दे दें, क्योंकि यहाँ रखा रहेगा तो फिर डस्टबिन में डाल देंगे। सही बोल रही हो तुम, सही बोल रही हो, गुना भी मिलेगा, तो आप उनको दे दें कि वो किसी को दे दें। सही है सही है, मैं उनको वापस से दे के आ जाता हूँ ये, कि अगर कोई आपके पास आए ये बोले कि खाने की ज़रूरत है तो उसको दें लाजमी, और इसको डस्टबिन में नहीं आप फेंकें। मैं बस दे के आता हूँ इसे, ठीक है उनको। भाईजान यार ये बस हमने खा लिया, ये आप किसी को दे देना, डस्टबिन में नहीं फेंकना। नहीं कर सकते तो इसको मैं कहाँ रखूँ फिर? यार वो डस्टबिन में फेंक देंगे, डस्टबिन में। चले हम फिर देखते बाहर, अगर कोई किसी को जरूरत हुआ ये खा सके तो वो खा लेगा। यूसरा ये वापस से आ गया है, वो बोल रहे हैं कि आप इसको इधर नहीं रखो, इसको टेबल पे रखो, क्योंकि आप जिसको भी दोगे ये इसको डस्टबिन में ही फेंकेगा, क्योंकि ये एयरपोर्ट है, वो यही बोल रहा है। अब हम कहाँ ढूंढे, मैं तो बोल रहा हूँ किसी को नहीं देते यार, क्योंकि हमसे नहीं खाया जा रहा तो हम किसी को क्या दें। बस फिर छोड़ के चलते हैं, मैं बोल रही हूँ कि अगर कुछ और खाना है तो ले लें, जाहिर है रोजा था तो भूख तो लग रही होगी तो कुछ और लेके खा लें। नहीं नहीं यार, अब यूसरा बस दिल भर गया, अब बस डायरेक्ट जहाज में अगर कुछ मिला तो खा लेंगे, वरना तो नहीं। अभी जो सबसे पहले हमें एक काम करना है वो सबसे मेन काम है, हमें अपना ढूंढना है एक गेट नंबर के कहाँ पर है, वो लगी हुई वहाँ पर स्क्रीन, ये रही। आओ देखते हैं भाई, दूसरे वाले बोर्ड पे या पहले वाले बोर्ड पे? पहले वाले बोर्ड पे तो बैरीन आ रहा है। उसरा जद्दा कहाँ पर है? हाँ मस्कत। अच्छा 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 अच्छा, दिख गया। F6 है हमारा गेट नंबर, आ जाए। गेट नंबर हमें मिल गया है, वो रहा सामने F6, और यहाँ पर देखो रश कचाकच भरा हुआ है, कचाकच। आ जाओ भाई, मैंने बहुत अच्छी जगह ढूंढ ली है यूसरा तुम्हारे लिए, ये आ गई जी मेरी सीट, यहाँ पर रख दिया हमने अपना पार्सल, आप यहाँ पर बैठ जाए और मैं यहाँ पर बैठ जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने खैरियत के साथ आराम पहन लिया है और दो रकात नफिल भी अदा कर ली है। अभी हमारा टाइम बाकी है, अभी 9:30 हम यहाँ आए थे, 6:30 बजे, 3 घंटे हम गुजार चुके हैं और अभी 1 घंटा हमारा और बाकी है, इसके बाद इंशाअल्लाह हम अपने सफर पे, हम अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे। बस अब यहाँ पर ही बैठ के अपने जहाज का वेट कर रहे हैं कि कब वो आएगा और कब हम लोग जाएंगे। ओके जी, तो हम वापस से लाइन में लग चुके हैं क्योंकि हमारी फ्लाइट अब उड़ने वाली है इंशाअल्लाह।
ऑन टाइम। चलो जी, हमारी बस हमारा वेट कर रही है। अरे भाई, तुम तो पहले से ही सीट गिर के बैठ गई हो। आते हुए हमें सीट नहीं मिली थी, अभी सीट ही सीट है, देखो पूरी बस खाली है। ओए 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 ओए, जहाज तो हमारे सामने ही खड़ा भाई। अभी अभी एक जहाज वो उड़ के गया भाई। चांद गए, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, जहाज के बिल्कुल ही ऊपर है चांद। अब चलो भाई उमरा करने। इस दफा फ्लाई दुबई ने हमारे साथ चीटिंग नहीं की भाई कोई, अब फ्लाई दुबई में ही जा रहे हैं हम भाई, जद्दा। हमारा जहाज अब बस उड़ने लगा है, यहाँ से तकरीबन 2.5 घंटे की फ्लाइट है दुबई टू जद्दा। अभी सफर की दुआ पढ़ने शुरू हो चुका है। सुभान अल्लाह, सब खबर अल्लाह हाजब हम अभी हम सऊदीया की सरजमीन पर पांव रखने वाले हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वैसे ये वाला सफर जो है ना, इसने थका दिया है। ये आ गया जी जद्दा एयरपोर्ट। ये पुराना या नया है? पुराना वाला एयरपोर्ट है, नया वाला अच्छा, इससे ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ, वो तो अच्छा है, पहले भी हम आए हुए, लेकिन ये जब आते हुए जब आप आओ ना सऊदीया से, तो ये मछली बाजार बना हुआ होता है। हाँ, मैं जब हम लोग पहले भी आए तब भी ये मछली बाजार ही बना हुआ होता था, मतलब ऐसी है ये थोड़ा सा। हाँ, लेकिन अभी तो फुल सन्नाटा हो रहा है। हाँ। बस ये एक हमारा आखिरी स्टॉप था, और यहाँ से ही हम करेंगे अपना बैगेज क्लेम, वरना तो भाई आज हमारे सफर ने हमें थोड़ा सा थका भी दिया है और मज़ा भी बहुत आया है, क्योंकि ये है सफरे उमरा। अब यूसरा बताओ कि हमारे पैकेज में देखो बस भी ऐड है, अगर हम जाना चाहें तो टैक्सी करवा के जा सकते हैं, जैसा तुम बोलो। टैक्सी करवा के चलते हैं। बस में नहीं, अगर हम बस में जाएंगे तो हमारे फजर वगैरह बहुत लेट पहुँचेंगे। अभी टाइम तो दिखाओ क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है 1:37, पूरा तकरीबन 1:30 बज गया है, और मुझे भाई बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है टाइम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी पाकिस्तान में तकरीबन कितने बजे होंगे? 3:30। हाँ, 3:30 बजे होंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, अब जल्दी से अपना बैग वैग पकड़ते हैं और चलते हैं यहाँ से बाहर। अरे अरे अरे, बैग तो सारे यहाँ पर ऐसे ही पड़े हुए हैं सबके। मुझे बैग के कलर नहीं पता, लेकिन निशानी पता है। अम्मा ने उस पे डिस्को कपड़ा कोई बांधा था। यही दोनों लग रहे हैं हमें। वो देखो उस पे दूसरा, ये नहीं है, ये वाला कपड़ा मम्मा ने बांधा था। एक और कहा यार, दूसरा ढूंढो, ब्लू कलर का है दूसरा ब्लू कलर का है, देख के देख। अबे ये तो ब्लू वाला ही तो उठाया है, देखा मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। हाँ, मैरून कलर का है, कोई ले तो नहीं गया, कोई ले तो। ओ, मिल गया। ये देखो इसके पीछे कपड़ा छुपा हुआ है स्टीकर के, देखा मैंने पहचान लिया है। यहाँ पर ही हमारा कोई पैकेज वाला बस वाला खड़ा हुआ होगा यार, लेकिन बस में बैठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। अब जल्दी से भाई ढूंढ लेते हैं टैक्सी। चलो 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 चलो, टैक्सी। नो टैक्सी। ओके ब्रो। भाई जो है वो सिम कार्ड वाले हैं भाईजान। टू सिम कार्ड विद लो प्राइस, ओके, विद हैवी पैकेज। बहुत मुश्किलों के बाद जी हमारी टैक्सी हो चुकी है। चलो भाई चलो, बैठो, पीछे बैठो ब्रदर फास्ट। गो टू अवर होटल फास्ट। यार ये हमने टैक्सी का जो है ना बहुत अच्छा फैसला किया, क्योंकि बसें अभी तक वहाँ पर ही खड़ी हुई हैं। अगर हम भी बस के चक्कर में पड़ते हो तो फिर भाई हमारी सहरी और हो सकता है कि इफ्तारी भी वहीं हो जाती। अभी तो हम माशाल्लाह से उमरे की हालत में हैं, तो डायरेक्ट जाते साथ हमें उमरा करना है लाजमी, और हो सकता है कि उमरे के साथ साथ ही हमारी सहरी भी हो जाए और उमरा हमारा डन हो इंशाल्लाह, जहाँ तक मेरा ख्याल आ रहा है सुबह तक। दूसरा सुबह हो जाएगी, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। टाइम हो रहा 2:10, तो हम तकरीबन तहज्जुद या सहरी के टाइम हम पहुंचेंगे मक्का। हाँ, तो फिर उसके बाद फजर हो जाएगी, तो हमें हमारे फजर के बाद ही होगा इंशाल्लाह। अब देखते हैं भाई कितने टाइम में पहुंचते हैं। लेट्स सी। ब्रदर योर ड्राइविंग इज एक्सीलेंट, माशाल्लाह। बिल्कुल चुप। अभी हमारी गाड़ी ने एक स्टॉप लिया है और टाइम हो चुका है 3 बज चुके हैं पूरे के पूरे, तो हमने ये फैसला किया है कि सहरी हम लोगों को कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता रास्ते में हम लोग सहरी कर लेंगे, होटल पहुंचते सहरी का टाइम ही ना निकल जाए। सामने मुझे दिख गया शावरमा, शावरमा ही ले लेते हैं। अगर तुम्हें शावरमा नहीं खाना तो तुम अपने लिए वो सामने से फ्रेश जूस ले सकती हो। हाँ, मुझे बस जूस पीना है। खाना नहीं है? नहीं। दूसरा खाना तो होगा ना यार, रोजा रखना है। मेरा दिल नहीं कर रहा, बस जूस। फ्रेश जूस पी के रोजा रख लोगी?
चलो जी, मैंने अपने लिए ले लिया है एक बिग शावरमा और यूसरा ने भी ले लिया है फ्रेश जूस। अब गाड़ी में बैठे बैठे भाई करते हैं आज की सहरी इन मक्का। सॉरी अभी हम मक्का नहीं पहुंचे, लेकिन हमारी सहरी बीच रास्ते में ही हो रही है मक्का और जद्दा के दरमियान। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह क्लॉक टावर तो हमें नजर आ चुका है, ये रहा बिल्कुल मेरे सामने। आ गया है जी हमारा होटल भी, वो रहा बिल्कुल सामने। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच, यू आर वेरी गुड ड्राइवर। तो जी हमारा होटल भी आ गया है, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को हम कर देते हैं यहाँ पर ही एंड। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, और जिस जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपका भाई आप सब के लिए इंशाल्लाह दुआ लाजमी करेगा। जिस जिसको अपने लिए दुआ करवानी है वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अब आगे का सफर जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट व्लॉग से स्टार्ट होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।